हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोड्डी गिरती है और नाभि गिरती है तो उसको आप अलग तरीके से, आप एक झटके में उसको कैसे पहचान सकते हैं, एक बार में ही उसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी गोड्डी गिरी है या नाभि गिरी है। और गोड्डी गिरने का, नाभि गिरने का बहुत से रीज़न है, मैं काफ़ी वीडियो में अपनी बता चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जैसे सर ने अभी तुरंत कुछ दिन पहले मैसेज किया था कि उनको परेशानी हो रही है, कि वो पूछ रहे हैं मेरे से कि गैस बनने से क्या नाभि खिसक सकती है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों को ये बात बताना चाहता था क्योंकि ये क्वेश्चन आप सब लोगों का भी होगा। मैं बोल दूँ कि जी हाँ, गैस बनने से आपकी जो नाभि है वो खिसक जाती है, और नाभि के खिसकने की वजह से भी आपको गैस बनती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपको गैस बन रही है या खाली गैस बन रही है या फिर नाभि भी है आपको, आप वो चेक करेंगे। अगर आपको नाभि नहीं है तो आप गैस का उपाय कर लीजिए, क्योंकि अगर गैस ज़्यादा दिन तक रहेगी तो आपकी नाभि धीरे धीरे खिसक जाएगी, और अगर आपकी नाभि खिसक रही है तो उसको ठीक कर लीजिए, तो गैस अपने आप बंद हो जाएगी। तो अभी जो मेरा जो पॉइंट था वो था, मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोड्डी को आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी गोड्डी है या फिर नाभि है। तो देखिए, गोड्डी जब भी किसी को होती है तो उसके तीन से चार जो पॉइंट हैं वो मेन होते हैं। वो पॉइंट है, नंबर एक जो पॉइंट है, जब भी आपकी गोड्डी खिसकेगी तो लाजमी सी बात है कि आपको वहाँ पे, उस जगह पे, नाभि के ऊपर वाले स्थान पे दर्द रहेगा जहाँ पे गोड्डी रहती है, उसके आसपास भी आपको दर्द महसूस होगा। नंबर दो, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपकी गोड्डी खिसकेगी तो आपका जो पेट है वो हमेशा आपको भरा भरा महसूस होगा, आपको भूख कम लगेगी। अब भरा भरा महसूस होगा तो भूख कम लगेगी, और इसी का जो पॉइंट बन जाता है वो ये है कि आपको भूख कम लगती है, और भूख कम लगने की वजह से आपका वजन कम होने लग जाता है। और वजन, वो ये वजन नहीं कि आपको भूख कम लग रही है तो उस हिसाब से वजन घटेगा, गोड्डी खिसकने की वजह से अगर आपको भूख कम लग रही है तो एकदम से आप 1 महीने के अंदर 10 किलो 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये लाजमी है कि काफ़ी लोग जो अच्छे सेहतमंद लोग थे और उनकी गोड्डी खिसक गई है तो वो एकदम से ही पतले हो गए हैं, उनका वजन एकदम से ही घट गया है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका वजन जो है तेजी से घट रहा है तो इसका एक मेन कारण आपकी गोड्डी भी हो सकती है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गोड्डी जब भी आपको खिसकती है तो दर्द भी रहता है, भूख भी कम लगती है, आपको गैस भी बनेगी, आपको बेचैनी सी रहेगी, आपके जो सीने में है ना, आपको बेचैनी सी रहेगी, कहीं मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, ये इसका मेन पॉइंट है। अब इसको एक पॉइंट ऐसा है जो नाभि को और गोड्डी को अलग कर देता है, भिन्न कर देता है। वो पॉइंट ये है कि जब भी आपकी नाभि खिसकेगी तो उसमें, और गोड्डी में ये पॉइंट ये है कि जब भी आपकी गोड्डी जो खिसकेगी ना, तो इसके साथ आपको थूकने की आदत लग जाएगी। आप समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? आप ज़्यादा थूकना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को मुंह में राल ज़्यादा बनेगी तो वो थूकेगा ज़्यादा, और बच्चों में अक्सर देखा गया है, हम समझ नहीं पाते कि बच्चे को हो क्या रहा है। बच्चा अगर काफ़ी दिनों से आपने देखा कि वो थूक नहीं रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, और अब वो आके ज़्यादा थूकने लग गया है, थूक ज़्यादा निकालने लग गया है बाहर, या फिर बार बार फूक फूक ऐसे थूकने थूकने की एक्टिंग कर रहा है, या फिर उसको थूक आ रहा है। सेम लक्षण बड़े आदमी भी होते हैं, हम जैसे लोगों में भी होते हैं, जब भी हमारी गोड्डी खिसकती है तो हमें थूकने की आदत लग जाती है और हम ज़्यादा थूकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मेन पॉइंट है, आपको नाभि और गोड्डी को अलग करता है, जो थूकने का जो पॉइंट है ये आपको नाभि से, और आप गोड्डी को पहचान सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा बंदा थूक रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप अपनी गोड्डी चेक कर लीजिए, हो सकता है 99% केस में होता है कि 1% केस में वो थूक ना आए, लेकिन 99% केस में होता है कि आपको थूक मुंह में ज़रूर आएगा और आप ज़्यादा थूकना स्टार्ट कर देंगे। तो आज मैं आपको यही बताने वाला था, और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे कुछ रीज़न है, मैं वो उनको सोल्व जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी इस महीने के एंड तक मैं आपके लोगों के लिए इस चीज़ को डेमो के ऊपर भी करके दिखाऊंगा कि आप अपनी गोड्डी को कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको, मैंने पहली वीडियो डाली हुई है कि गोड्डी को और नाभि को 2 मिनट में कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं,
आप मेरी भी वो वीडियो वाली जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल में मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए मैं आपको यही बताने वाला था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको किस प्रकार की और जानकारी चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताते रहिएगा। आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, और मैं काफ़ी बार होता हूँ कि काफ़ी लोगों के कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको टाइम देता हूँ कि सर मैं आपको बैक कॉल ज़रूर करता हूँ। ये मेरा नियम है कि मैं अगर आपके कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो मैं आपको बैक कॉल ज़रूर करता हूँ। तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइए, आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा और 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।